और दूसरा कप्तान बना इंडिया का विराट कोहली के बाद 5-1 से जो विराट जीता था, लेकिन हाँ जी विद एक्सेप्शन नो बुमराह, नो विराट, नो रोहित, नो शमी, नो सिराज, नो जडेजा, नो अय्यर, मतलब कोई भी मैन नहीं था। इंडियन टीम प्लेड लाइक अ यूनिट, देवर बकिंग अप ईच अदर, यंगस्टर्स वर एंजॉयिंग द सिचुएशन। और देखें, आपने कहा कि बात ये हेंड्रिक्स था, मकरन था, क्लासन था, डूसन था, मिलर था, ये सारे थे, मोल्डर वोल्डर जितने भी थे। क्यों इंडिया के बच्चों ने विदाउट विराट कोहली, विदाउट जसप्रीत बुमराह, विदाउट मोहम्मद शमी, विदाउट जो है वो हार्दिक पांड्या, विदाउट रोहित शर्मा, इनके बगैर क्यों इंडिया के बच्चे साउथ अफ्रीका को उनके घर में आके हरा गए हैं? देखो, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये दो भाई टीमें जो अपने घर में नहीं हारती, बाहर या हारती रहे या जो मर्जी करती रहे, ये अपने घर में नहीं हारती, ये अपने घर में नहीं हारती, ये अपने घर में बजा देती है जो भी आएगा इनके सामने। लेकिन टीम इंडिया उल्ट करती है, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में रगड़ जाती है, साउथ अफ्रीका को उनके घर में रगड़ के आती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। लेकिन इस टीम को जब टीम इंडिया को मैं देखता हूँ या जब मैं साउथ अफ्रीका की टीम को देखता हूँ तो कंपैरिजन नजर ही नहीं आता। एक साउथ अफ्रीका की टीम जो वर्ल्ड कप के सारे प्लेयर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया की जो टीम है जब वो उसमें के राहुल को छोड़ के बाकी जितने भी लड़के हैं उसमें कोई भी वर्ल्ड कप का बंदा है ही नहीं। कमाल हो गया भाई, घर के अंदर घुस के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरह की इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, इट्स जस्ट ऑसम। ऑसम खेला है भाई, मजा आ गया। मगर संजू सैमसन ने आज देखे, आज तिलक वर्मा भी खेला, वो भी स्लो खेला, वो बाद में बाबर का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया, 40 बॉलों में 7 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ता हुआ नजर आया भाई। बाद में कितना मारा उसने, राहुल को भी आपने देखा, पिच अलाउ नहीं कर रही थी यार। ये वो विकेट थी, वन ऑफ दोज रेयर विकेट के, इस पे आपको टाइम चाहिए था, 297 देखकर आपको लगेगा ये विकेट अच्छी आज, है। आज जो फेल किया सबसे ज्यादा संजू सैमसन ने, वो आसमानी किताब को किया, वो पागल हो गए प्रोजेक्ट स्कोर करने के अंदर। प्रोजेक्ट स्कोर होगा क्या? जो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 240 भी बहुत लग रहा था, नजर आ रही फिर 250 फिर 260 को देख के जो चीजें नजर आ रही थी वो ये 250 भी मुझे तो नजर नहीं आ रहे थे इंडिया के। मगर जब संजू को मैंने 30-35 बॉलें खेल देख लिया तो मुझे अंदाजा हो गया कि आज ये फोड़ डालेगा इनको, आज भी छोड़ेगा, क्योंकि आज वो दिन है। उड़ना भी आसान नहीं था। सुनने के बाद तो अगर कोई सही आदमी जो होता है ना, बेसिकली जो तिलक वर्मा ने बात की 15 गेंदों पे मारा है ना अपनी, वो बड़ा मैटर कर गया। और रिंकू ने उस मोमेंटम को कैरी किया, असल तो गेम चला वहीं से है ना, गेम चलाया है तिलक वर्मा ने। देखे तिलक वर्मा इस मैच में पहले विलन बने, चाहे जितनी खराब कंडीशन हो, 21 बॉलों पे 3 रन तो 50 ओवर में एक्सेप्टेबल है नहीं, लेकिन उसने 22वीं पे चौथा भी रन लिया था, तो 22 पे 4 कर ले आप, 7 रन 40 बॉले उसके। मेरी आंखों ने जो देखा वो मैं बता रहा हूं, वो तो ज्यादा हो गए होंगे, 11 कर लिया रन, 11 12 वही कह रहा हूँ। लास्ट की जो उसकी 15 गेंदे है उसमें उसने बहुत कमाल तो खेला, आज अगर बहुत ही जबरदस्त खेला। घंटे के फैन ने दुलाभाई बनाना है ना, तो वो संजू सैमसन को दुलाभाई बना ले आज, क्योंकि आज इस लड़के ने ऑलमोस्ट 57 का एवरेज है, 13 इनिंग में 510 रन। अब अंदाजा लगाइए कि 99 केस मजबूत कर लिया भाई आज स्ट्राइक। बट हैट्स ऑफ द वे रजत प्लेड, वो स्टार्ट साउथ अफ्रीका को परेशान कर गया क्योंकि फंसी हुई कंडीशंस थी। दूसरा कप्तान बना इंडिया का विराट कोहली के बाद 5-1 से जो विराट जीता था, लेकिन विद द एक्सेप्शन नो बुमराह, नो विराट, नो रोहित, नो शमी, नो सिराज, नो जडेजा, नो अय्यर, मतलब कोई भी मैन नहीं था। अर्शदीप, बीसीसीआई डिस्ट्रॉयड इज confidence, he was kept outside, but in the series he is rightly man of the series and Sanju is smiling after player of the match. 10 wickets hain, pehle mein 5, dusre mein 1, teesre mein 4, aur umpire ne out de diya tha Hasan ne pehle bhi Maharaj ko, lekin wo ball jo hai bahar thi. Aur dekhe isme main aapko bataun, ye young gun jaise Sai Sudarshan ne कैच पकड़ा, इट वाज अमेजिंग कैच, राहुल ने जो एक आध कैच पकड़ा एक छोट भी जो एंड में, बट इट डजंट मैटर। इंडियन टीम प्लेड लाइक अ यूनिट, देवर बकिंग अप ईच अदर, यंगस्टर्स वर एंजॉयिंग द सिचुएशन। और देखें, आपने कहा कि
बात यह है, हेंड्रिक्स था, मकरन था, क्लासन था, डूसन था, मिलर था, ये सारे थे, मोल्डर वोल्डर जितने भी थे। रिजवान हैदर साहब महाराज था, जिस तरह डोमिनेटिंग बैटिंग उनकी पूरी थी, यू कांट से के एक भी बैट। अब देखो वो तो रिटायर हो गया, जो डिकॉक रिटायर हो गया, यू कांट टॉक अबाउट हिम। पूरी बैटिंग खेली हिंदुस्तान की टीम ने, इनको चारों गाने चित किया। इट्स अ रिमार्केबल, वंडरफुल, क्लासिक, थंपिंग, अथॉरिटेटिव एंड अ माइंड ब्लोइंग विक्ट्री। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू केएल राहुल, द वे ही रोटेटेड हिज बॉलर्स, द फील्ड प्लेसमेंट, द माइंड वाज वर्किंग, ही वाज कीपिंग एज वेल। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तो मैं क्रिकेट की अगर बात करूंगा तो मेरी नजर में टीम इंडिया ने पकड़ के क्या कर दिया, पकड़ के घंटा बजा दिया साउथ अफ्रीका का। और मैंने बात देखो, संजू सैमसन की तो हम बात करते हैं, संजू सैमसन ने इसके ऊपर मीड में भी बात किया कि संजू सैमसन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, 108 रन स्कोर किए हैं और इस पिच के ऊपर 108 करना बेटा बहुत जबरदस्त बैटिंग कर दिया संजू सैमसन ने, मतलब ये कोई कर नहीं सकता। और कई घंटे का फैन या किंग है तो करे इस पिच के ऊपर आगे रन, बड़ी स्लो विकेट थी, ये बैट्समैनों का रियल टेस्ट था इस पिच के ऊपर जो कि संजू सैमसन ने करके दिया। फिर आपके भाई ने मिड मैच में दो बातें की हैं, मैंने बोला ये पिच के ऊपर बॉल स्लो रह रहा है। दो बातें आपने माइंड से निकाल देनी है, मैं क्या गया था कि ये पिच ड्यूशू वाला चक्कर निकाल देना, और दूसरी बात कि जी हमने जी शुएब अख्तर बन के जोर नहीं लाना, आपको ये पिच पेस अपनी तरफ से देगी। ये मैंने दो बातें की थी आपको, मैंने बोला था कि यार आपने एक्स्ट्रा पेस नहीं लगानी, आपने दो चीजों पे बिलीव रखना है, आपने लाइन और लेंथ मेंटेन करनी है और अपनी सेम पोजीशन से हिलना नहीं है। ये दो चीजें मुझे हर्षदीप सिंह की बॉलिंग में नजर आई हैं, ये दो चीजें मुझे व्यवश्य। अब देखो मैंने बोला था कि केशव मिराज अगर इस पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग करके गया तो उसकी क्या वजह है, तो केशव मिराज रविचंद्रन अश्विन तो है नहीं कि जो कैरम बॉल कर देगा आके, या कुलदीप यादव तो है नहीं जो गुगली और फ्लेपर कर देगा आके। उसने क्या किया इस पिच के ऊपर, उसने कोई टर्न टुर नहीं की, वो लाइन और लेंथ पे बॉल करता रहा और उसको इतना पता था कि अगर ये बॉल मैं ऑफ स्टंप पे कर रहा हूं तो ये मेरी उधर गिरेगी, बस उसने ये चीजें की हैं। तिलक वर्मा पे सबको गुस्सा आ रहा होगा, अगर मैं बोलूं मुझे नहीं आ रहा था तो ऐसा नहीं है भाई, विकेट मुश्किल थी लेकिन 21 गेंदों पे 3 रन वाली नहीं थी, बट उसने कंपनसेट करके दिखाया। और ये जो रिंकू के हीरोइक्स है, जो अलीगढ़ का लौंडा है ना रिंकू, उसके हीरोइक्स ने 38 रन जो उसने ब्लिट्स खेली उसके साथ संजू, और उसके रन जब 297 हुए तो वी वर क्वाइट श्योर।